नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के साथ रिसेंट की ही एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खबर साझा करेंगे, जो कि आप सभी के अस्थायीकरण से संबंधित है। खबर क्या है, आप अपनी स्क्रीन पर देख लें कि सरकार को अब शिक्षा मित्रों से नई आस। सरकार को क्या आस है अब शिक्षा मित्रों से, इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। जहां पर दूसरी हेडलाइन आप देख लें कि शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए लागू हो सकता है उत्तराखंड। आखिर इस खबर की पूरी वास्तविकता क्या है, विस्तार पूर्वक आगे वीडियो में जानेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अब अपडेट आप सभी की स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। आप सभी को अपनी स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही होगी। दरअसल ये आज की ही न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसकी हेडलाइन मात्र अगर आप देखें कि 20 फरवरी को जुटेंगे 1,00,000 से अधिक शिक्षा मित्र। आप सभी को ये बातें पता है कि 20 फरवरी को शिक्षा मित्रों का ग्रुप, यानी कि पूरे शिक्षा मित्रों का जो समूह है, वो रमाबाई मैदान यानी कि लखनऊ में एकत्रित होगा। लेकिन यहाँ पर जो पेपर में जो बयान निकल कर आए हैं, जहां पर ये आंकड़ा लोगों के द्वारा जो कयास लगाया गया है कि 1,00,000 से ऊपर की संख्या शिक्षा मित्रों की होगी, जहां पर इसके पहले भी ये आशाएं 12 जनवरी को लगाई गई थी। हालांकि ये कार्यक्रम सफल हुआ, लेकिन वहां पर 50 से 60 हज़ार शिक्षा मित्रों की भीड़ थी, जहाँ पर लगभग शिक्षा मित्रों ने वहाँ पर पूरी तरह से सहयोग नहीं किया, क्योंकि आधे से ज़्यादा शिक्षा मित्र आखिर वहाँ पर उस कार्यक्रम में उपस्थित क्यों नहीं हुए। जहाँ पर साथियों यहाँ पर बैठक की गई, हालांकि बैठक लगातार चल रही है, ये शामली जिले की बैठक है, जहाँ पर ये कयास लगाई गई कि लगभग इतनी शिक्षा मित्रों की संख्या उपस्थित हो सकती है। लेकिन इस बार सरकार को भी आपसे आशाएं हैं। जिस प्रकार से आपको सरकार से आशा है कि ये सरकार कुछ करेगी आपके लिए, उसी तरह से सरकार को भी आशाएं हैं कि हो सकता है कि शिक्षा मित्र सरकार विरोधी ना हो सकता है कि शिक्षा मित्रों के द्वारा सरकार विरोधी गतिविधियाँ अब ना की जाए। तो साथियों अगर सरकार को ये बातें पूरी तरह से प्रमाणित होती हैं, तो आप मानकर चलें कि आप सभी के लिए सरकार की तरफ से हरी झंडी दिखेगी। फिलहाल आप जो संख्याएं हैं, अपनी संख्या को केवल शिक्षा मित्रों की ही संख्याएं नहीं, बल्कि आप अपने साथ कम से कम 2 से 3 साथियों को लेकर के रमाबाई मैदान में पहुंचे, ताकि सरकार को भी ज्ञात हो सके कि शिक्षा मित्र सरकार विरोधी नहीं है। फिलहाल यही जानकारियां आप सभी के साथ रखनी थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ इस बात पर वार्ता की जाए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।